जी नमस्ते। मैं आज अपनी माँ के बारे में, माँ की ज़िंदगी की सच्चाई बारे में कुछ बोलने वाली हूँ सारी दुनिया को। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज अपनी माँ के बारे में कुछ बोलने चाहती हूँ। जो मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद मैं ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम दूसरों की माँ को मैंने नोटिस किया। मैंने देखा सबकी माँ मतलब थोड़ा थोड़ा खाने के लिए उनका हिस्सा मांगते हैं, वो टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तुम खा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोग खा लो, तुम लोग ले लो, तुम बच्चे हो, ऐसे नहीं है। हम फर्स्ट टाइम देखे ज़िंदगी में, हमने कभी अपनी माँ को ऐसे नहीं देखा था। हम सोच रहे थे यार सारे माँ शायद ऐसे ही होते, उनको भूख नहीं लगती, वो टेस्ट नहीं करते, उनको थकान नहीं होती, वो कंप्यूटर है, वो रोबोट है। क्योंकि मेरी माँ दिन भर काम करती रहती थी, रात को मेरे पापा के पैर दबाती थी, अगर भाई बहन में से किसी को ठंड लग जाता था उनको पैर दबाती थी, उनको मसाज करती थी, साथ में भाई बहन चारों को भी ऐसे ही करते थे। हम पहली बार देखे बिना काम करते हुए भी माँ लोग किसी थक जाते, दूसरों को गाली देते देते, दूसरों की कमियाँ निकल निकलते, वो भी थक जाते हैं। हम फर्स्ट टाइम देखे उनको पैर दबाना पड़ता है, पैर भी दबाने के बाद भी गाली देते। हम सोचे अरे यार माँ लोग को भी ऐसे होता है क्या? हम तो सोच रहे थे माँ लोग तो मशीन है, उनको तो कुछ तकलीफ होता नहीं है, हमने तो कभी देखा नहीं। एक तो हमारी माँ काम करती है, ऊपर से आके हमारे पैर दबाती है, आज तक तो वही करती थी। हम तो फर्स्ट टाइम देख रहे बिना काम करते हुए दूसरों के माँ कैसे थक जाते हैं। जब कुछ अच्छा खाना घर में आता था तो मेरी मम्मी पापा को देती थी, हम भाई बहन सबको देती थी, लेकिन खुद कुछ खाते नहीं। हम जो बोलते थे थोड़ा टेस्ट करो, अच्छा है, इतना अच्छा है, मेरी मम्मी बोलती थी नहीं 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 तुम खा लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे खाने की आदत नहीं है, हमारी तबीयत खराब हो जाएगा, हमको भूमिट आ रहा है देख के, हमारा गले से मतलब किसा कसा हो रहा है वो देख के, हमको नहीं होगा, तुम लोग खा लो। हम सोच रहे थे सच होगा, शायद माँ लोग ऐसे ही होते हैं, हमने तो दूसरे माँ को कभी नोटिस नहीं किया। वो यही सोचती थी अच्छा खाना है, हम तो बच्चों को अच्छा खाना नहीं दे पा रहे, बच्चे खुश होकर खा रहे तो सुबह खा लेंगे, तो दोपहर के लिए थोड़ा बचत हो जाएगा तो दोपहर को और खुश हो जाएंगे, रात को और खुश हो जाएंगे, काल के लिए बच जाता, अगर काल के लिए कुछ बच जाता है तो कोई बात नहीं और अच्छी बात है, काल भी बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन मेरी माँ कभी कुछ खाती नहीं थी, अगर गाँव में कभी किधर फंक्शन होता था तो उनको कोई मतलब परमिशन नहीं थी किधर जाने के लिए, किधर आने के लिए, घर के चारों के दीवार के अंदर वो रहती थी, काम करती थी, कुछ खाने का होता था खाती थी, नहीं तो ऐसे ही रहती थी, लेकिन किधर जाने के उनको परमिशन नहीं थी, मेरे पापा नहीं दिए थे। गांव को मंदिर के मंदिर में जब मतलब फंक्शन होता था सारे लोग जाते थे आते थे, मेरी मम्मी छुपके ऐसे खिड़की में ऐसे झाँक के देखती थी कौन जा रहे कौन जा रहे, भूखो ने येलो साड़ी में भूखो ने पिंक कलर साड़ी पहनी भूखो ने ऐसे पूछती थी, मैं देखती थी बड़ा मतलब मुझे दुख लगती थी। मतलब हमारे गांव में थोड़ी ही दूर पर है पैदल जाने चलने की रास्ता है, फिर भी मेरे मम्मी को जाने की परमिशन नहीं थी, वैसे ही पूछते थे मेरे पापा आके देख के डांटते थे क्या कर रहे हो क्यों झाँक के देख रहे हो, मेरी मम्मी बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं बस झाड़ू लगा रही थी वैसे देख रही थी कौन कौन जा रहे। मेरे पापा बोलते थे तुमको क्या मिलेगा, तुम काम में ध्यान दो, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सोच रहे थे शायद ऐसे करके उनका भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगी, कभी वो जाने के लिए भी बोलेगी वो ख़राब हो जाएगी, किधर रिश्तेदार से बात करने के लिए, आस पड़ोस से मिलने जुलने के लिए, किसी दुख सुख शेयर करने के लिए उनको इधर मतलब परमिशन नहीं थी, वो घर के अंदर रहती थी। मिनिमम वो 40 साल ऐसे ही निकाल दिए, मतलब आप सोचेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ऐसे कोई चलता फिरता इंसान जिंदा इंसान ऐसा कर सकता है क्या, सार दीवार के अंदर रहना, ऊपर से इतना गाली मार इतना ताने, मेरे पापा बहुत ताने मारते थे मम्मी को, पहले तो शादी के टाइम में बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने नाना जी को बोले कुछ नहीं चाहिए, हम यही करेंगे ऐसे ही, फिर जो वो कुछ नहीं दिए, बाद में मम्मी को गाली दिए तुम्हारे बाबा पैसे नहीं दिए वैसे नहीं दिए ये नहीं दिए वो नहीं दिए, जब तुमको लेना ही है तो क्यों बड़े बड़े फेंकते हो, हमको ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, हम सब कुछ दिला देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर मांगने की भीख मांगने की तुम्हारा आदत है तो पहले से भीख मांगना चाहिए, ऐसा ड्रामे नहीं करना चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए बाद में ताना मानो, अगर तुम मर्द हो इतना अच्छे इंसान हो इतना अमीर हो
वही बात पर कायम रहो, वही बात को कायम रखो कि हम कुछ नहीं चाहे, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दिला देंगे तो दिला दो। कुछ नहीं दिए थे ना, उनके भाई के वाले से कुछ मिला था ना, मेरे पापा कुछ दिलाए थे। ऊपर से इतने सारे रेस्ट्रिक्शन, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, सोने से पहले उठने से पहले 2 बार पापा को पैर दबाना पड़ता था, उसके बाद वो उठते थे, उससे पहले वो सोते थे पैर दबाने के बाद। इतने सारे रूल रेगुलेशन, अच्छा खाना होता था तो हम लोग खाते थे, पापा हम भाई बहन खाते थे, वो कभी खाए नहीं थे, हमने कभी देखा नहीं। ऐसे ही लोग कहते हैं सारे माँ एक जैसे, मैं मानूंगी नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, कैसे मान लूँ भाई, मतलब सारे माँ एक जैसे बिल्कुल भी नहीं। उनको दर्द होता है, तकलीफ होता है, उनको घूमने फिरने का शौक होता है, सुख दुख मतलब बातें करने का उनको फ्रीडम होता है। मेरी माँ के पास क्या है, कुछ भी नहीं, वो कुछ खाती नहीं है, किधर जाती नहीं, किसी से बात नहीं करती, किसी से मिलती नहीं, ना फंक्शन में कुछ उनके लिए साड़ी वगैरह आता है, कुछ नहीं। कभी पूजा वगैरह करती है वो, घर में थोड़ा सा मना आता है, क्योंकि मेरे पापा तो खेती वगैरह करते हैं, उनको खेती करना भी नहीं आता। हालांकि जमीन जायदाद तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है हमारा, लेकिन पैसे के मामले में हम बहुत गरीब आप मान सकते हैं, पैसा हमारे पास नहीं थे, इसलिए हमारे घर में सामान खूब कम आता था। और हम देखते थे कब पूजा फिनिश होगी, हमारी मम्मी हम सबको दिला देगी। मेरी मम्मी ऐसे करती थी, भूखे रहती थी दिन भर, पूजा करने के बाद सारे प्रसाद हम हमारी दादी माँ पापा हम भाई बहन चारों में बांट देती थी, वो कभी कुछ खाती नहीं थी क्योंकि उनके लिए कुछ बचता नहीं था, हमारे लिए भी वो ज़्यादा नहीं होता था। हम छोड़ते थे बस ऐसे फॉर्मेलिटी मेंटेन करके बोल देते, तुम भी खाओ ना, अच्छा है तुम खाओ, वो बोलते थे नहीं 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 हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ समझ में नहीं आता था। शादी के बाद हम अपने माँ को नज़दीक से मतलब उनकी ज़िंदगी को देखे, मतलब सच में यार माँ लोग को भी इतने भी तकलीफ होता है, माँ लोग ऐसे होते हैं जो लोग फालतू मेरी मेरी माँ के साथ वो कंपेयर करते हैं ना, उनके दुख में कभी कंपेयर करके देखो, उनके काम में कभी कंपेयर करके देखो, वो तो तुम करते नहीं हो, कुछ होते नहीं हो तुमसे, कुछ होता नहीं है। हाँ वो उस टाइम में क्या बोलते थे, वो गधा है गवार है जाहिले, वो गधा है, उनको कोई आइडिया नहीं, कोई दिमाग नहीं, इतना काम तो करना नहीं चाहिए, वो करे तो हम क्यों करें। जब उसी काम में तुम कंपेयर करते हो, जब भगवान कुछ खुशियाँ उनको दे रही है, कुछ सुख उनको दे रहे, तो क्यों कंपेयर कर रहे हो, उनके पास ये है वो है, ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, हमको वैसे करना चाहिए, क्यों कर रहे हो भाई। ऐसे चिल्ला चिल्ला के जो बोलते हैं ना लोग, हमें ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, हम बहुत कुछ कर लिया, बहुत सैक्रिफाइस कर लिए, वो सब कुछ है ना भगवान के पास हिसाब करके वो रखें, बड़ा सा कैलकुलेटर है उनके पास, बड़ा सीसी कैमरा लगा के वो देखें। ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोले से आप एक दो का मुंह तो बंद कर सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया का मुंह ना बंद कर पाएंगे, ना भगवान का मुंह बंद कर पाएंगे। आप जैसे किए हैं ना, अच्छे किए हो बुरे किए हो, वो सारा हिसाब वो रख के बैठे हैं भगवान, वो उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। आप किसी के साथ कितना भी कंपेयर करो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और जो बोलते हैं ना मेरी माँ के बारे में जो घटिया बोलते हैं, मैं उनके बारे में बोल दूँ बहुत, उनके औकात ही नहीं मेरी माँ को जज करने की, उनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, घटिया लोग से मतलब मेरी माँ को सर्टिफिकेट देने लेने की जरूरत नहीं है, वो जैसे है ना बहुत बेस्ट है, वेस्ट नहीं है वो, बहुत माँ हमने देखा, वो पैसा के लिए मरते हैं, वो बच्चे पैसे नहीं देते तो मोटे मोटे गालियाँ देते, श्राप दे देते, बच्चे का मुंह नहीं देखना, ये नहीं देखना, वो नहीं करना, जमीन जायदाद से हिस्सा नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमको मालूम पड़ता तो वो पेड़ से ही मार देते, बच्चा पैदा होने के बाद मार देते, कितना गालियाँ देते। और हमारी माँ कभी गालियाँ नहीं देती, कभी बच्चे को थोड़ा तकलीफ होती है ना, वो रात रात भर सोती नहीं है, खाना खाती नहीं है, वो किसी को बताती भी नहीं है, हम तुम्हारे लिए टेंशन ले रहे, तुम्हारे लिए हम रो रहे, वो दिखाती नहीं है, वो जताती नहीं है, वो बताती नहीं है, ऐसी होती है माँ, वो ड्रामेबाज नहीं है, वो किसी को कभी नहीं बताई, हम खुद एहसास किए हैं, सबके साथ जब कंपेयर किया तब हमको मालूम पड़ा दूसरों की माँ से हमारी माँ कितना डिफरेंट है। इसलिए ना ऐसा कभी नहीं बोलना सारे माँ एक जैसे, मैं नहीं मानती सारी माँ एक जैसे, बहुत माँ आते बच्चे को जान ले लेते हैं,
मेरी माँ ऐसी है, वो बोलेगी अगर बच्चों को कभी किडनी चाहिए होगा तो आके चाहिए होगी, जान चाहिए होगा, हम दे देंगे। वो ऐसे बात में नहीं बोलती, उनको वो देने की बहुत हिम्मत है, वो इतना सच्चाई है, वो इतना सच्चा इंसान है। बहुत सारे माँ हमने देखा है तो छोटे छोटे के लिए बच्चे के जान भी ले लेते हैं, छोटे छोटे बात के लिए इतना ताना इतना गाली। जो मेरी माँ से कंपेयर करो ना तो मत करो यार, जरूरत नहीं है मुझे कंपेयर करने की, और तुमको भी जरूरत नहीं है कंपेयर करने की, ठीक है। और जो बोलते हैं ना सारे माँ जैसे, मैं मानती नहीं, और किसी को भी मानने की जरूरत नहीं। कोई ये इतना प्रूव करके दिखा दो किसका माँ ऐसा है तो मैं मानू। सारे माँ एक जैसे, वो तो मामूली बच्चे से माँ प्यार करते हैं, खाना देते हैं, लेकिन कितने माँ कितने दिन भूखे रह के बच्चों को खाना खिलाते, वो दिखाओ तब जाके हम माने। बच्चे के लिए मार खाना गाली खाना, खुदे भूखे रह के बच्चों को आज कल परसों बरसों खाना खिलाना, कितना माँ है ऐसे दिखाओ, तो मैं मानूंगी दुनिया के सारे माँ एक जैसे। मैं तो मानूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं 100% चलो दुनिया की बहुत जगह तक घूम ली मैंने, बहुत माँ तो हमने देख ली, किसी के माँ तो ऐसे जैसे नहीं है, मेरी माँ जैसे तो नहीं है, तो कैसे मैं मान लूँ सारे माँ एक जैसे। सारी दुनिया धोखा किया है मेरे की माँ के साथ, ना माँ बाप ने, मायके वाले ने, किसी ने इतना प्यार दिया प्यार के बदले, ना पति ने इतना प्यार दिया प्यार के बदले, बस भगवान के भरोसे वो बैठी कर्म करती जाती रही, कर्म कर रही है। वो बोल रहे हम अपना बेस्ट देंगे, बाकी भगवान के ऊपर है, उनको लगेगा मैं सही हूँ तो मुझे वो कुछ अच्छा फल दे देंगे, नहीं तो छोड़ दो। इतना हिम्मत है किसी को, इतना पेशेंस है किसी और को, तो फिर कैसे मेरी माँ के साथ कंपेयर कर रहे हो। मैं तो बोलूँगी आखिर जब तक मैं जिंदा हूँ यही बोलूँगी, दुनिया के सारे माँ एक जैसे नहीं है और मेरी माँ जैसा तो कोई नहीं है, इतना तो मैं 100% श्योर हूँ। रखती हूँ, बाय बाय।